मैं अपने कुनबे के अब जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं, तुलसीपुर वालों, मैं पूरे एतमाद और यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस बुझे हुए चिराग में वो रोशनी पैदा करेगा। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके बीच वसीम रामपुरी को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। एक बार तालियां बजाकर आप जनाबे वसीम रामपुरी साहब का इस्तकबाल कीजिए और इस मुशायरे को मुशायरा बनाइए। जनाबे वसीम रामपुरी साहब, नहीं इधर आप पीछे देखिए, आपको नहीं रोकने, सुनेगा जी भाई। तू ही तो बसा हुआ है। वाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर रहीम साहब, डॉक्टर फहीम साहब, सुनेगा। तू ही तो बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है? तू ही चचा मियाँ पीछे मत देखिए, हमें देखिए आप। तू ही तो बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है? तू ही तो बसा हुआ है, तू ही तो बसा हुआ है, तू ही तो बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है? मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है। कोई क्या कहने बे, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। तू ही तू बसा, असल में डॉक्टर बहुत है यहाँ, नहीं हमें मालूम है एंटीबायोटिक क्या क्या रूल होता है। समाप्त में कि तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है? हाशिम भाई, तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है? मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है। मैं जहां अकमल भाई, रिजवान आर के इंफ्रा बिल्डर्स के ऑनर फहीम ट्रेवल्स, सुनेगा। मैं जहां गैसुद्दीन साहब, मैं जहां पे रह रहा हूं, मेरे दोस्त तो बहुत हैं। सुन के आप बताइएगा। मैं जहां पे रह रहा हूं, मैं जहां पे रह रहा दोस्त तो बहुत है, मेरा हाल मुझसे लेकिन कोई पूछता नहीं। वाह क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अरे तो एक बार तालियां बनती है ना। हाँ अरे पीछे वालों, बहुत अच्छा। तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है? क्या तुझे पता नहीं है? मैं जहां पे रह रहा हूं, मेरे दोस्त तो चाय वाले बैठ जा भैया, ये चाय वाला मुशारा तो शुरू करने दो, खराब कर रहा है। कि मैं जहां पे रह रहा हूं, मैं जहां पे रह रहा हूं, मेरे दोस्त तो बहुत है, मेरा हाल मुझसे लेकिन कोई पूछता नहीं है। मजलूम जाए आखिर, सरदार जी, मजलूम जाए आखिर, इंसाफ किससे मांगे? मजलूम जाए आखिर, इंसाफ किससे मांगे? मजलूम जाए आखिर, इंसाफ किससे मांगे? इस दौर में उमर सा कोई रहनुमा नहीं। क्या कहने भाई, क्या कहने। अरे वाह वसीम भाई, फिर से पढ़े ये शेर, क्या कहने भाई। एक बार सारे लोगों की ताली आनी चाहिए भाई। वाह वाह क्या कहने, क्या कहने वसीम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ फिर से पढ़े। मजलूम जाए इस मजमे में एक चीज की कमी हो रही, वो कमी है लड्डू साहब की।
और आप में वो सारी झलक है लड्डू साहब की। जी भाई पढ़िए। तुलसीपुर वालों आप बहुत अच्छा सुनते हैं, मैं बहुत छोटे से आ रहा हूँ, बिल्कुल आप यकीन जानिए हमेशा आप सुन के भेजते हैं, किसी को आप फूट नहीं करते, ये अच्छी बात है आपकी। समाप्त मैं जहाँ मेरे दोस्त तो बहुत है, मेरे दोस्त तो बहुत है, मेरा हाल मुझसे लेकिन कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे, मजलूम जाए आके इंसाफ किससे मांगे, इस दार में उमर सा कोई रहनुमा नहीं है, इस दार में क्या कहने भाई। वसीम भाई जिंदाबाद। मुझे रोशनी दिखा दे, आहा मुझे रहनुमा अता कर, मुझे रहनुमा अता कर, मुझे रोशनी दिखा दे, मुझे रहनुमा अता कर, मैं भटक रहा हूँ यार अब कोई रास्ता नहीं है। क्या कहने भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई वाह। मैं भटक रहा हूँ यार अब कोई रास्ता नहीं। आदम शाकरी साहब की मुझे दुआएं मिली, हमेशा फरीदी साहब, बड़े भाई हाशिम साहब, आप खामोश इसलिए हैं कि उनको ठंडक लग रही है। अब्दुल्ला भाई एक गजल तुलसीपुर वालों पढ़ता हूँ, नौजवान बिल्कुल आप भरोसा रखें, मैं खराब करूंगा मुशारे को, लेकिन बाद में समाप्त मैं सुनेगा एक एक मतलब पढ़ता हूँ। जी भाई इरशाद। देखिए का अच्छा मतला हो तो क्या कहने भाई, अच्छा मतला तो आप सबकी दुआएं। देखिए कौन मिलने आया। डॉक्टर रहीम साहब। जी भाई आप गुले सभा के करीब बैठे हुए थे, यहाँ पे आप भट गए नहीं, वीडियो देख रहे हैं, कल गुले सभा इनके करीब में बैठे हैं, घर पर खबर पहुंच जाएगी इनके, ये डरते हैं, डॉक्टर हैं लेकिन डरते हैं। समात्र मैं देखिए देखिए कान में आया है, किसने दरवाजा खटखटाया है। क्या कहने भाई भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अच्छा मतला था, अच्छा था, अरे तालियां बजा के बताओ मुझे, अच्छा सुनने। वाह शाकरी साहब ने मुझे दुआएं दी, जाहिर सी बात है ये अच्छा मतला होगा। समाप्त मैं देखिए कान में आया है, किसने दरवाजा खटखटाया है, और उसकी कोई हाशिम भाई हाँ सुनेगा, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं, सुनेगा उसकी कोई दुआ कबूल नहीं, जिसने रिज़्क़ के हराम खाया है। क्या कहने भाई क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उसकी कोई दुआ कबूल नहीं,
जिसने रिज़्क हराम खाया है। क्या कहने भाई, क्या कहने वसीम भाई, उसने अल्लाह को किया नाराज, उसने अल्लाह को किया नाराज, जिसने माँ को बहुत सताया है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद भाई, वाह वाह, क्या कहने भाई। दोबारा सुनने के लिए सिर्फ तालियां बजाना आपको, कुछ नहीं करना। गयासुद्दीन साहब, रईस भाई, प्रमुख साहब इटवा से आए, रिजवान बिल्डर साहब के साथ में सुनेगा। उसने अल्लाह जिसने माँ को बहुत सताया है। आदम शाकरी साहब, एक शेर सुन लीजिए जी भाई। मातृमय आज जी भर के उसको रोने दो। कलीम साहब सुनेगा, आज जी भर के उसको रोने दो, मुद्दतों बाद मुस्कुराया। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। दोस्तों अच्छा शेर था, तालियां इस पर आनी चाहिए आपकी। एक बार पूरी महफिल बताए, यकीनन अच्छा शेर। मैं शहर आफरीदी साहब की मुझे दुआएं मिली, ये फख्र की बात है। आदम शाकरी साहब की, हाशिम भाई और उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले लोगों, बहुत बहुत शुक्रिया। उसको जी भर के आज रोने दो, मुद्दतों बाद मुस्कुराया है, मुद्दतों बाद मुस्कुराया है। छोटा भाई अकमल बलवान पूरी साहब के तौसु से आखिरी शेर आज तक पहुंचाता हूँ समाप्त मैं जी भाई। फिर मुझे तो संभाल ले आकर, फिर मुझे तो संभाल ले आकर, फिर मेरा पांव ढक मगा। क्या कहने भाई, क्या कहने वसीम भाई, वसीम भाई आइए, आपसे गीत सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं ना, एक बार तालियां बजाकर आप बुलाइए। वसीम भाई आइए। बहुत अच्छा आप सुनते हैं, और मुझे मालूम है इज्जत कैसे बचानी है। अल्लाह ने इतनी अकल मुझे दी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था। सुनेगा, हो के मुझसे जुदा। हाँ हाँ चचा भैया, यही उम्मीद थी आपसे। नौजवान दोस्तों सुनेगा, हो के मुझसे जुदा, देखते देखते हो के मुझसे जुदा, देखते देखते गैर से वो मिला, देखते देखते हो के मुझसे जुदा, देखते देखते जान मुझ पर छिड़कता था हर बात पर। वाह, जान मुझ पर छिड़कता था हर बात पर, जान मुझ पर छिड़कता था हर बात पर, हो गया वो खफा देखते देखते। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, वसीम भाई जिंदाबाद। क्या आगे वाले जितने बैठे उनके सीने में दिल नहीं क्या,
सिर्फ पीछे वाले बैठे हैं दिल्ली के, नहीं आप तो अच्छा सुन रहे समात मैं हो के मुझसे जुदा देखते देखते प्यार में पत्थर पिघलने लगा। वाह हाँ दिल जले लोगों सुनेगा प्यार में एक पत्थर पिघलने लगिया प्यार में एक पत्थर पिघलने लगा रंग लाए तो वो देखते देखते होके मुझसे जुदा देखते देखते उसने कातिल हाँ उसने कातिल उसने कातिल निगाहों से देखा मुझे उसने कातिल निगाहों से देखा मुझे आए सर पे कजा देखते देखते। क्या कहने भाई आप कमजोर पड़ रहे हैं इन लोगों से कमजोर नहीं है। अच्छा सुनिए शेर सुनिए एक पत्थर डॉक्टर गासुद्दीन साहब माजरा चाहता हूँ आपके मुशारे में नहीं आ सका था मुझे लग रहा था आप नाराज होंगे लेकिन ऐसा लग नहीं रहा आपके चेहरे से मुझे। हाँ बिल्कुल नाराज नहीं है। एक पत्थर पड़ा था सरराह में। अच्छा शेर है सुन के बताइए मैं गीत पढ़ूंगा। एक पत्थर पड़ा था सरराह में बन गया वो खुदा देखते देखते। क्या कहने भाई जिंदाबाद। एक पत्थर पड़ा था सरराह में बन गया वो खुदा देखते देखते होके मुझसे जुदा देखते देखते। एक गजल के एक मतलब एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ समझ में। हकीकत नदीम भाई आरजू साहब सुनेगा। हकीकत आपसे बतला रही है। क्या कहने भाई क्या कहने क्या अंदाज़ दोस्तों आपकी तरफ से चाचा से मैं कह रहा हूँ ये नहीं नहीं तीनों तीनों आप उसमें होशियार मत बनिए चाचा मियां। हकीकत आपसे बतला रहे हैं हकीकत आपसे बतला रहे हैं हकीकत आपसे बतला रहे मोहब्बत कर के हम पछता रहे हैं। क्या कहने भाई मोहब्बत करके हम पछता रहे हैं भाई जिंदाबाद। अरे कंजूस लोगों अच्छा मतला था ना तो खुल के तालियां बजाइए ना। हकीकत आपसे बतला रहे हैं। अच्छा एक शेर पढ़ता हूँ उम्मीद उम्मीद के साथ में कोई अगर जिस 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 शख्स ने ताली नहीं बजाई मैं बिल्कुल समझूंगा शहजादा कलीम साहब वो समझ नहीं रहा शेर समाप्त मैं नहीं अब तो जरूर बजाएंगे। अच्छा अच्छा हकीकत आपसे बतला रहे हैं मेरी माँ घर में कुरान पढ़ रही है। क्या कहने भाई क्या कहने आगे वालों आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है समझ मेरी माँ घर में कुरान पढ़ रही है। मेरी माँ घर में कुरान पढ़ रही है मेरी माँ घर में कुरान पढ़ रही है मेरे घर में फरिश्ते आ रहे हैं। मेरे क्या कहने भाई क्या कहने जिंदाबाद। मेरे घर में फरिश्ते आ रहे हैं हजारों खामियां हैं जिनके अंदर। तुलसीपुर वालों एक शेर सुन के आप बताएं। हजारों खामियां हैं जिनके अंदर हजारों खामियां हैं जिनके अंदर
हमको आईना दिखला रहे हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने, ये कितने अच्छे लोग हैं। अच्छा शेर दोबारा सुनते हैं। नहीं मसला ये नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि तुलसीपुर वाले हैं और ये कुल्फी को चाट चाट कर खाते हैं। हाँ सुनेगा। हजारों खामियां हैं जिनके अंदर, हजारों खामियां हैं जिनके अंदर, वो हमको आईना दिखला रहे हैं। और डॉक्टर रहीम साहब एक शेर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जी भाई। जवानी जवानी तो सदा रहती नहीं है। हाँ नौजवान दोस्तों सुनेगा बिल्कुल। जवानी तो सदा रहती नहीं है, जवानी तो सदा रहती नहीं है, जवानी पर वो क्यों इतरा रहे हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। जवानी पर वो क्यों इतरा रहे हैं, तेरे मासूम बंदों पर खुदाया। वाह सुनेगा। तेरे मासूम बंदों पर खुदाया, तेरे मासूम बंदों पर खुदाया, हजारों जुल्म ढाए जा रहे हैं, हजारों जुल्म ढाए जा रहे हैं। आखिरी शेर समाप्त। मैं सुना है आज कल नाराज है वो। सुनेगा। वाह रिजवान भाई, नौजवान दोस्तों सुना है आज कल नाराज है वो, सुना है आज कल नाराज है वो, हमारे घर बहुत कम आ रहे हैं, हमारे घर बहुत कम आ रहे हैं। और आखिरी शेर मोहतरम डॉक्टर गासुद्दीन साहब आपके तवज्जो से। वसीम आंखें, एक आत तो एक ऐसे लोग होना चाहिए मुशायरे में, असल में उनको छोड़ा जाता है बेचारे पढ़े लिखे, कुछ ऐसे भी आते हैं सीखने के लिए आते हैं, सीखने की जगह है। आखिरी शेर समाप्त। मैं एक बार उसके लिए तालियां बजा दीजिए वो जो भी। वसीम आंखें हैं जिनकी हमने खोली। वाह। वसीम आंखें हैं जिनकी हमने खोली, वसीम आंखें हैं जिनकी हमने खोली, वही आंखें हमें दिखला। कहने भाई जिंदाबाद।